शाहिनशाह अफरीदी की तूफानी बॉलिंग, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से फतेह छीन ली। बाबर 11 ने कीवीज को 9 रन से शिकस्त दी। पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 2-2 से बराबर। पांचवें टी20 मैच में पाकिस्तान ने 179 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। शाहिनशाह अफरीदी ने खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा ने 2 विकेटें उड़ाई। शाहीन शानदार बॉलिंग पर मैच सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को जीत के ट्रैक पर डाल दिया। सीरीज बचाने पर चेयरमैन पीसीबी खुश। मैच के सनसनीखेज लम्हात, मोहसिन नकवी ने फतेह के बाद उठकर खिलाड़ियों को दाद दी। कप्तान बाबर आजम ने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 6 चौके और 2 छक्के लगाए। शहर में सूरज के अवताप के साथ ठंडी हवाओं का राज। गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में 12वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 106 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। पंजाब के माली साल 24-25 की तैयारियां। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब तक पहला ड्राफ्ट तैयार। एजुकेशन और सेहत का बजट 150 अरब तजवीज़। अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 50 अरब मुख्तस। हुकूमती अराकीन असम्बली को 34 अरब मिलेंगे। शहर का तरक्याती बजट 7 अरब तक मुख्तस करने की सिफारिश। साबिक निगरान हुकूमत का एक और अहम मनसूबा लावारिस एलडीए एरिना प्रोजेक्ट को सीबीडी के हवाले करके बरी उल्जमा हो गया। अरबों का मंसूबा रेवेन्यू जनरेशन सिफर होने से अहमियत खोने लगा। सीबीडी ने जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी पर डाल दी। महंगाई का तूफान, गरीब हलकान, अपनी छत का ख्वाब मुश्किल हो गया। ईंट सीमेंट सरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा, लागत 3 गुना बढ़ गई। 5 मरला मकान की तामीराती लागत 1 करोड़ तक जा पहुंची। ईंट 17,000 रुपए की 1,000, सीमेंट की बोरी 1,270 रुपए, सरिया 230 रुपए किलो। वादत रोड गोसिया कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम खराब। कॉलोनी गंदे पानी के तालाब में तब्दील। स्वामी नगर का इलाका इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। गलियां टूट फूट का शिकार। अलामा इकबाल टाउन की सड़कें भी तामीर ना हुई। लीगी एमपीए खालिद खोखर ने ईद से पहले सड़क बनाने का वादा किया था। उधर इचरा मार्बल मार्केट वाले भी परेशान, नाकिस सीवरेज मसाइल की वजह करार। चुंगी अमरसदू में अफसोसनाक वाकया। कबूतर पकड़ने के लिए छत पर गया बच्चा, बिजली के तारों से छू गया। बच्चे ने मौके पर ही जान दे दी। इमदादी टीमों के मुताबिक हाई वोल्टेज तारें बच्चे की मौत का सबब बनी। अदालतें आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच छोड़ना पड़ेगी। माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जो अच्छे नहीं थे। मातहत अदलिया में माफियाज भी काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मलिक जमान नसीब की रिहाइश का आमद। सदर आजम क्लॉथ मार्केट को बेटी के निकाह की मुबारकबाद दी। शुएब सिद्दीकी, उस्मान अली और मोहम्मद अली भी हमराह थे। मलिक उस्मान, मलिक आमिर, मलिक इरफान, मलिक अदनान भी शरीक हुए। डीजीएलडीए का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ताहिर फारूक की खान कॉलोनी, नवाज शरीफ कॉलोनी, सेंट मैरी कॉलोनी के रिहायशियों से मुलाकात। रिहायशियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पैचवर्क के कामों का जायजा लिया। April 29 तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। वजीर आला का बारिशों के लिए पेशगी हिफाजती और इंतजामी इकदाम का हुक्म। निकासी आप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहरिक रहने का हुक्म। वासा में सूरत हाल से निपटने के लिए अफसरान की बैठक। MD वासा गुफरान अहमद को अफसरान की ब्रीफिंग। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। नायब सदर आफ्ताब मोहसिन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। डॉक्टर वफा कैसर, डॉक्टर सोमिया इक्तदार, प्रोफेसर जावेद अकरम की शिरकत। प्रोफेसर तारिक वसीम, प्रोफेसर अजीजुर रहमान, प्रोफेसर एजाज शरीक हुए। हकूमत फाउंडेशन के तहत ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट की तकरीब। आगाज में पाकिस्तान और फिलिपाइन के कौमी तराने पेश किए गए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत।
चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का इजहार ख्याल। एमिली एब्रेरा, आयशा खान समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक हुए। पीसी होटल में अखुवत फाउंडेशन के तहत पैनल डिस्कशन। मुकर्ररीन का ब्रिजिंग जनरेशन माइक्रो फाइनेंस पर इजहार ख्याल। कबीर नकवी, डॉक्टर राशिद बाजवा समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। एएसपी शहरबानो नकवी, पिया घर सुधार गई। सैयद अश्तर अब्बास नकवी से शादी अंजाम पाई। सैयद जबील अब्बास नकवी, पीर मरातिब अली शाह की शिरकत। तस्लीम अब्बास नकवी, सैयद हैदर तिरमजी, सैयद अली मुर्तजा समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सीईओ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अरसल चौधरी का निकाह। हवेली आसिफ जा चूना मंडी में निकाह की तकरीब रखी गई। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप चौधरी सनाउल्ला, साइमा चौधरी की शिरकत। मेजर रिटायर्ड जहूर रांझा, निगत जहूर, डॉक्टर फाद अहमद, अजमतुल्ला गोंदल समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। साबिक मुशीर वजीर आला चौधरी बाकिर हुसैन के बेटे का वलीमा सैफुल मुल्क खोखर, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर की शिरकत। खालिद परवेज खोखर, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, राना एजाज अहमद हफीज, बाबर महमूद शरीक हुए। सुहेल महमूद भट्ट, चौधरी अरशद गुज्जर समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। जेसीओ लाहौर में ओल्ड रावियंस के लिए एनुअल डिनर। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, कामरान लाशारी, एएसपी शाजिया की शिरकत। चेयरमैन पैमरा सिकंदर मिजर समेत मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात भी शरीक हुए। पेसेंट स्कूल के एल्यूमिनाई बैच की तकरीब बदर हाउस में जुल्फिकार अली बदर ने तकरीब सजाई। 1983 के क्लास फेलोज ने 40 साल दौर को याद किया। अपने इसाज़ों को खिराज तहसीन पेश किया। शील्ड्स भी तकसीम की गई।